अब देख रहे हैं नोदेडेंस पंजाब केसरी टीवी। आज पार्लियामेंट के अंदर 2023-24 का आम बजट पेश किया गया है और इस बजट में किस तरीके से खास क्या चीजें रही हैं, हमारे साथ बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल जी हैं। दुग्गल जी मैम, आपसे बात कर रहे हैं, तो किस तरीके का बजट लोगों के लिए खास रहा ये? देखिए, मुझे लगता है कि इस बजट में हर वर्ग को जो है वो कुछ ना कुछ सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, वित्त मंत्री जी की तरफ से दी गई है और सभी वर्ग को लेकर ये बजट बनाया गया है। समावेशी बजट हम इसको कहेंगे और इसमें चाहे हम युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, ओबीसी, एसटी, एससी क्लास की बात करें, तो सबको साथ लेकर चलने वाला ये बजट है। और मैं बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सबको साथ लेकर चलने वाला जो बजट जो है माननीय वित्त मंत्री जी लेकर आई हैं, इससे हमारा देश जो है एक विकसित देश की तरफ आगे बढ़ेगा, विकासशील से जो है वो विकसित देश की तरफ आगे बढ़ेगा। और आप देखिए कि आज की तारीख में अगर हम बात करें तो 10 नंबर से हमारी इकोनॉमी जो है वो आज 5वें नंबर पर आ गई है और शने शने इसी गति के साथ हम आगे बढ़ते रहे तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द हम तीसरे या दूसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन मैडम, अगर बात करें युवाओं की, नौकरी की, तो लगातार 2014 से यही कहा जा रहा है कि युवाओं को नौकरी मिलेगी, आखिर कब मिलेगी नौकरी? कांग्रेस ये सवाल खड़े कर रही है। देखिए, सरकार की तरफ से जिस तरह से हर सेक्टर्स के अंदर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ोतरी करने का जो प्रावधान किया गया है, चाहे आप बात करें रेलवेज़ के अंदर, चाहे आप नेशनल हाईवेज़ की बात करें, चाहे आप बात करें कि जिस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ता है तो उसके अंदर आप देखिए स्टील, सीमेंट, ये सब की जो वो बढ़ती है, इन सब की खपत जो बढ़ती है तो उससे भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इसके साथ साथ सरकार की कोशिश है कि अब की बार जो है वो ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे कि जहाँ पर जो कंपनी बेस्ड जो स्किल ऐसे युवाओं की ज़रूरत जहाँ पर होगी तो उनको उसी तरह का स्किल जो है उनके अंदर डेवलप किया जाएगा ताकि उनको स्किल बेस्ड नौकरियां जो है वो मिल सकें। ये सरकार की बहुत बड़ी कोशिश है और इसके अंदर मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में जो है वो नए जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये 2024 का चुनावी बजट है। नहीं, इसका मतलब उनको ये लग रहा है कि बजट अच्छा है। अगर 2024 का ये कह रहे हैं कि ये चुनावी बजट है तो ये लगता है उनको कि ये अच्छा बजट है ना, तो उनको अगर उनको चाहिए, मैं तो ये कह रही हूँ कि ये अच्छी बात है कि वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कह के अप्रिशिएट करें, लेकिन अब की बार विपक्ष को भी ये लग रहा है कि ये बजट अच्छा है, सबको साथ लेकर चलने वाला बजट है। क्या मैम, अगर बात करें युवाओं की, क्योंकि इनकम टैक्स में भी कहीं ना कहीं छूट जो है वो युवाओं को दी गई है क्योंकि युवा ज़्यादातर नौकरी पेशे में है जी। हाँ, देखिए, ये जो स्लैब बढ़ाया गया है, पहले जो है 5 लाख रुपए तक नील इनकम थी और अब 7 लाख रुपए तक नील है और 7 लाख से लेकर 9 लाख रुपए तक जो है वो 5% टैक्स लगेगा। तो 9 लाख रुपए जिनकी इनकम है उनको 45,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। तो ये स्लैब को जो बढ़ाया गया है इससे मुझे लग रहा है कि मध्यम वर्ग के अंदर और युवाओं के अंदर एक जो है खुशी की लहर है। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए इस बजट में क्या खास रहा है, क्योंकि आप एक महिला हैं? जी, महिलाओं के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जैसे हम बात करें तो उनको सरकार की तरफ से जो है और ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ साथ जैसे 157 जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके पैरेलल 157 नर्सिंग जो है वो कॉलेजेस भी खोले जाएंगे। और तो इसी तरह से ही जो हमारी छोटी जो है जो किसान के उसमें लाइन में जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए, चाहे वो डायरी में काम करें, चाहे वो फिशरीज में काम करें, चाहे वो कृषि का जो है, जैसे ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है तो जो वो अनाज उगाने का काम करती हैं, तो उन महिलाओं को भी जो है सरकार की तरफ से बहुत सी जो है ऐसी योजनाएं लेकर आया जा रहा है जिसमें उनको लाभ मिलने वाला। लेकिन कांग्रेस कह रही है किसानों के लिए भी सरकार ने कुछ नहीं रखा इस बजट में। देखिए, ऐसा है कि जो अगर वो याद करें अपने समय में 2-2, 2.5 रुपए के चेक किसान भाइयों को देते थे, किसान भाई उन बातों को भूले नहीं हैं और किसान भाई इस बात को लेकर संतुष्ट हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है उसके तहत किसान भाइयों को 6,000 रुपया हर साल के अंदर जा रहा है, फसल बीमा योजना के अंदर लाखों रुपया उनके खाते में जा रहा है, सीधा जा रहा है, तो किसान भाई बहुत खुश हैं इस बात को लेकर। और सरकार की भी कोशिश है 1 करोड़ सरकार ऐसे किसान जो है वो नए जो है उनको सहायता करेगी, उनको मदद करेगी कि जो ऑर्गेनिक खेती की तरफ जो है बढ़ावा जो है देंगे अगर वो किसान, तो सरकार उनको 1 करोड़ किसानों को जो है सरकार की तरफ से योजनाओं का लाभ मिलेगा। अच्छा मैडम, आप हरियाणा से आते हैं, हरियाणा सरकार भी अब बजट पेश करेगी क्योंकि वहाँ पर आप गठबंधन की सरकार चला रहे हो, क्या मांग आप करेंगी कि हरियाणा के बजट में हरियाणा वासियों को सौगात मिल सके? देखिए, ऐसा है कि जैसे जो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, ये स्टेट जो है की पॉलिसी में आते हैं, तो जो केंद्र सरकार इन सब चीज़ों के लिए राज्य सरकार को जो सहायता कर रही है उसमें राज्य सरकार भी अपनी तरफ से और बढ़ चढ़ कर इन चीज़ों को बढ़ावा दे, तो मुझे पूरी उम्मीद है और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी जो है पूरा एक समावेशी बजट जो है हरियाणा का भी लेकर आएंगे, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ अगर देखें
तो आज की तारीख में जिस तरह से गांव गांव जो है प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है, ग्रामीण सड़क योजना है, उसके तहत जुड़ रहा है। नेशनल हाईवेज हमारे इतने अच्छे बन रहे हैं, रेलवेज जो है वो इतना अच्छा काम कर रही है। पहले की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, अगर 100 प्रोजेक्ट जो है वो रेलवे के आते थे तो 99 धरातल पर नजर नहीं आते थे। एक प्रोजेक्ट कहीं कोई थोड़ा बहुत जो है वो चलता फिरता नजर आता था। आज हमारी सरकार जो है जिस कार्यक्रम का, जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करती है उसका उद्घाटन भी करती है। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हमारी सरकार में संभव हो पाया है। तो बिल्कुल, ये थी सांसद सुनीता दुग्गल, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।